गाइस, तो क्या हाल चाल है आपके? होप करता हूँ सब फैंटास्टिक होगा। तो एक खुशखबरी आ रही है, मतलब थोड़ा मैं डिले हो गया वीडियो बनाने में, बट उस खुशखबरी को आपसे शेयर करना चाहिए। फाइनली टिकटॉक बैन हो चुका है इन इंडिया यार, और उसके साथ उसके कुछ भाई बंधु थे, मतलब होता है ना वो 58 दोस्त उसके थे, वो भी बैन हो गए उसके साथ। और मेरे हिसाब से तो ये परफेक्ट था भाई। 2020 में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था लिटरली, बहुत सारे फिल्म स्टार की मतलब देहांत हो गया था यार, और बहुत ज्यादा नेगेटिव चीज हो गई और नेगेटिविटी फैल गई, और घर पे बैठे बैठे डिप्रेशन से लोग जूझ रहे हैं। बट एक न्यूज सबको क्रॉस ओवर कर चुकी है भाई, और बहुत सही। तो आज मैं बात करूंगा कि यार ये बैन किस चीज की वजह से हुआ, ये जो चाइनीज ऐप बैन, और इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मतलब आपको पता ही है ये सब ऐप बहुत इस्तेमाल होते थे। मैं इसके परसेंटेज भी दिखाऊंगा कैसे कितना ज्यादा इस्तेमाल होता था ये, बट ओपी मतलब बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता था यार, और बहुत अगर ये अचानक से हट गया तो सोचो कितना इफेक्ट पड़ेगा। और जो भी क्रिएटर थे, मीन्स जो टिकटॉक में क्रिएटर थे, अब उनका क्या होगा, मतलब अब क्या करेंगे क्या, वो सब मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ कि कौन कौन से एप्स बैन हुए हैं। तो कुल मिलाकर 59 एप्स बैन हुए। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, तो यहाँ मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, या फुल स्क्रीन में आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ। तो इसमें कुछ मोस्ट पॉपुलर ऐप्स है, लाइक टिकटॉक, शेयर इट, यूसी ब्राउजर, क्लैश ऑफ किंग्स, डू बैटरी सेवर, और बताऊं जो फेमस थे, जेंडर था फेमस, और मी वीडियो कॉल, शाओमी, ओ भाई साहब, मतलब मी वीडियो कॉल भी बैन हो गया, वीगो वीडियो भी हो गया बैन, ये भी कुछ टिकटॉक जैसा ही था, डू क्लीनर, डू ब्राउजर भी हो गया, कैम स्कैनर बैन हो गया वो, और डू प्राइवेसी, मोबाइल लेजेंड एक गेम है, स्मार्टफोन में गेम है, वो बैन हो चुका है, और भी बहुत पॉपुलर चीजें बैन हुई है यार, मतलब बहुत पॉपुलर, मतलब पार्लर स्पेस, मतलब मेरे पापा करेंटली वही इस्तेमाल करते हैं पार्लर स्पेस, मतलब वो तो मैं कर दूंगा बट एक्सप्रेशंस तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई कौन कौन से ऐप्स बैन होते। बट अब मैं बात करता हूँ क्यों ये ऐप्स बैन होते, मतलब व्हाई, व्हाट इज द रीजन, मतलब क्या रीजन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इसका रीजन अभी मैं मान सकता हूँ, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में, इंडिया वर्सेस चाइना, जो चाइना हरकतें कर रहा है उसकी वजह से कुछ हुआ होगा। और अभी तो आपको पता ही है, इंडिया खुद बोल रहा है, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि भाई चाइनीज एप्लीकेशन, चाइनीज चीजों को मत इस्तेमाल करो, जाओ आप इंडियन चीज इस्तेमाल करो। तो मुझे तो लग रहा है वही एक स्टेप था जिसकी वजह से 59 एप्लीकेशन बैन किए गए थे। और मैं एक और रीजन दे सकता हूँ, देखो यार पहले फर्स्ट रीजन को मैं थोड़ा बताऊँ, तो देखो कुछ एप्स थे लाइक जिसे बैन नहीं होना चाहिए था, मतलब उतना, मतलब वो फ्रॉडर नहीं थे, मतलब फ्रॉड नहीं थे, पर तब भी बैन हुए। इसलिए मुझे लग रहा है कि फर्स्ट रीजन ज्यादा अच्छा है कि ये जो चल रहा है इंडिया वर्सेस चाइना के बीच। और सेकंड रीजन यार, ये एप्स ह्यूज प्राइवेसी का इशू था। टिकटॉक तो वैसे ही कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहा है भाई, मुझे तो लग रहा है टिकटॉक स्पेशली बैन किया गया था यूट्यूब और टिकटॉक के कॉन्ट्रोवर्सी के कारण। तो ये कुछ रीजन लगते हैं यार, आप कमेंट सेक्शन में जाओ बताओ यार, आप मतलब आपको क्या लगता है कौन से रीजन हो सकते हैं ये सब एप्स अचानक से हट गए, मतलब हट गए। और अगर आप इन एप्स में जाओगे और अभी विजिट करोगे तो आपको सिंपली नोटिस आ जाएगी कि ये सर्विस हट चुकी है इन इंडिया, अब आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ, वीपीएन लगाकर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपको अलग अनदर लैंग्वेज मिलेगी, तो कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान का भाई कौन वीपीएन लगाना चाहेगा, वो भी उर्दू आएगा उसमें। तो कुछ ऐसा ही है। और अब मैं बात करूंगा कि भाई ये जो टिकटॉक में क्रिएटर्स थे जो इतना क्रिंज कंटेंट भर कर रख दिया था भाई, मतलब टिकटॉक को खोलते ही भाई साहब, मतलब आंखों को
आंखों से पानी निकालने वाले मतलब चीजें थी, मतलब आंसू आ जाते थे कि लोग इतना क्रिंज कंटेंट बना भी सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनमें असल में टैलेंट था टिकटॉक में, मीन्स जो टिकटॉक में अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करते थे, उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले, इट्स ओपन, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। भाई यूट्यूब बहुत बड़ा है, आ सकते हो, बिना बोले आप आ सकते हो, कोई डाउट नहीं, आपको बहुत मजा आएगा। सेकेंड ऑफ ऑल जिनका मतलब जो टैलेंट के नाम पे बस अपना चेहरा दिखाते थे, लिपसिंग करते थे और मतलब अजीब अजीब क्रिंज क्रिंज चीजें करते थे, भाई उनका तो वास होने से, अब तब वो तो कहीं जाने से रहे, अब वही होगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने काट। कुछ ऐसा ही, अब मुझे तो लग रहा है कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है, क्योंकि अब उनके पेरेंट्स बोलेंगे भाई बेटा एक ही रीजन था तुम्हारे पास कि मम्मी मैं नहीं पढ़ूंगा, अब तो वो भी रीजन चल चुका है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया है, अब तुम जाओ पढ़ो। तो यार अब देखो जो असल में टैलेंटेड है वो तो कहीं भी, भाई कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बहुत सारे यार, डेली मोशन, बहुत सारे जिसमें आप अपना टैलेंट शो अप कर सकते हो। तो डैट्स फॉर ऑल दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छा लगा यार, मतलब वीडियो अच्छा लगा, मुझे मेरी पर्सनालिटी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि ये जो चीज़ें करते हो ना यार, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्यूचर के कंटेंट और भी अप्रूव्ड और भी मतलब समझते हो ना, मतलब अपग्रेडेड मिलेंगे। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, क्विक वीडियो थी बट नॉलेजफुल थी, तो चलिए जाते हैं। Thank you.